Hi all, welcome back to my channel My Mixed Magic. Today's video is another vlog in the series of Vlogtober. Actually this video was shot in mid of October, but somehow I could not edit the video and I could not post it because I was busy in shifting. We have moved to another apartment, so my apartment tour is coming soon, so keep watching my Vlogtober series though November has started. तो ये उस दिन की वीडियो है जब हम कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाने के लिए जुबैल जा रहे थे, जहाँ पर कुछ मतलब टोटल बॉडी टेस्ट वगैरह हमें करवानी थी, मेडिकल टेस्ट, उसके लिए हम लोग जुबैल गए थे. और ये ड्यूरिंग अवर जर्नी यहाँ पर रेस्ट रूम में हम लोग रुके थे, जो पेट्रोल स्टेशन पर बने हुए होते हैं, जहाँ पर सलाह वगैरह का भी अरेंजमेंट होता है और वॉशरूम्स वगैरह होते हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरी इस जर्नी पर, मेरे साथ चलिए. जुबैल ईस्टर्न प्रोविंस का एक छोटा सा सिटी है और ये भी अरेबियन गल्फ़ के कोस्ट पर ही बना हुआ है, जिस तरह से खबर बना हुआ है. और ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है. और यहाँ पर मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी जो है साबिक है, वो पाई जाती है. इसके अलावा जुबैल के बारे में आपको बताऊंगी कि जुबैल एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि लार्जेस्ट सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जहां पर है, और उसके अलावा जो ओल्ड टाउन ऑफ जुबैल है उसे जुबैल बलद कहते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हैं जुबैल स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन और बहुत अच्छा सा प्लेजेंट सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सिटी. और कहा जाता है कि 1933 में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये एरिया, जब यहाँ पर ऑयल जियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया था. और बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है और इसमें मैं पॉसिबली अगर हो सका तो किसी बीच वगैरह पर चलूँगी, क्योंकि ये पूरा कोस्टल एरिया है और यहाँ के बीच बहुत ही खूबसूरत हैं. तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे और हमारे टेस्ट वगैरह करवाएंगे, और टेस्ट करने के बाद अगर टाइम होता है तो हम लोग किसी बीच पर चले जाएँगे, और आफ्टर दैट वी विल गो टू हैव आवर लंच. तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे हॉस्पिटल के पास, और यहाँ पर मैं टेस्ट वगैरह करवाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे वगैरह हम लोग निकल पड़ेंगे सिटी एक्सप्लोर करने के लिए. तो यहाँ पर हो चुके हैं मेरे टेस्ट और हम लोग चल रहे हैं अब कॉर्निश को, क्योंकि देर इज़ टाइम फॉर सलाह, और हम लोग जब तक किसी बीच पर जाकर अच्छे से सम आवर्स और टू आवर्स स्पेंड कर सकते हैं. तो जुबैल के बारे में आपको बताऊंगी कि जुबैल का जो मेन मार्केट एरिया है वहाँ पर बहुत ही मतलब अट्रैक्शंस हैं, जैसे वनातीर मॉल है, गैलेरिया मॉल है, जुबैल सेंटर मॉल है, सिटी मैक्स है, हाइपर पांडा है, पांडा है, और लूलू वगैरह भी हैं. तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं अल नखील बीच पर, और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और उसकी मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मेन अट्रैक्शन तो ये लगी कि व्हेन वी वर इन वाटर वी कुड सी द फिशेज, हमारे अतराफ में फ़िशेज़ हमने इंजॉय की, बच्चे स्पेशली दे वर सो हैप्पी. और यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल मुझे चीज़ ये लगी कि दे हैव मेड हट्स की तरह उन्होंने शेड्स वगैरह बनाए हुए थे, जिसमें आप अपनी कार पार्क कर सकते हो, बैठ सकते हो, इफ़ यू विश यू कैन सिट देयर एंड एन्जॉय, यू कैन हैव और स्नैक्स वगैरह बैठकर, एकदम बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग यहाँ पर आती है. बट अनफॉर्चुनेटली देर वाज नो स्पेस, तो हम थोड़ा आगे चले गए और हमने वहाँ पर फिर अपनी गाड़ी वगैरह पार्क की और फिर हम पानी की तरफ चल पड़े. तो चलिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बीच, और मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये बहुत ही खूबसूरत सा पानी और उसमें तैरती हुई छोटी छोटी बहुत ही प्यारी सी मछलियाँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितना क्लियर ये वाटर है, और बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे. ये टाइम भी मॉर्निंग का टाइम था. अच्छा, तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है दे नो कि मैंने उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी इकबाल की पोएम सुनाई थी. तो आज 9th of November है और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इकबाल की तस्वीरें दर्द पढ़कर सुनाऊं. तो ये नज़म है मेरी बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर के लिए, तस्वीरें दर्द.
नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगु है बेजुबानी है जुबा मेरी। ये दस्तूरे जुबा बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। उठाए कुछ वरख लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। उड़ाली खुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी। टपक ऐशा माँ आंसू बन के परवाने की आँखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्ता मेरी। मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का, वो गुल हूँ मैं खिजा हर गुल की है गोया खिजा मेरी। दो वी वे नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू द बीच, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह मैनेज कर लिया। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, दे लाइक्ड इट वेरी मच। बहुत उन्होंने कोशिशें की, उन फिशेस के पीछे वो भागते रहे और उनको पकड़ने की भी काफ़ी कोशिशें उन्होंने की। तो आप देख सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया दिस वन इज़, और एकदम मेस्मराइजिंग सा और बहुत ही प्लेजेंट सा यहाँ पर वेदर हो रहा है। और मैं अब नखील से वापस चलती हूँ। हमारा इरादा है हमारी फेवरेट जो ईट आउट लोकेशन है जुबेल की, जो एक अगेन देर इज़ वन क्लिनिक इन जुबेल जिसके करीब वो ईट आउट लोकेशन है। सो वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स राइस एंड स्पाइस रेस्टोरेंट, और वहाँ पर मैं आपको रेस्टोरेंट रिव्यू भी दूंगी, जिस तरह से मेरा पहला वीडियो भी है इस रेस्टोरेंट पे, काफ़ी छोटा सा वीडियो एक मैंने बनाया था। तो चलिए हम चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इंडियन फूड वहाँ पर, जो बहुत ही यमी सा बनता है। हम पहुँच गए हैं राइस एंड स्पाइस में, और एज़ यूजुअल यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। ये बहुत ही स्पेशियस सा और बहुत ही साइलेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस वाला एक रेस्टोरेंट है। इनका स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है और दे हैव लाइक डेलिकसीज फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया के, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, तमाम स्टेट से पिक्यूलियर डिशेज उठाई गई हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये लोग बनाते हैं। कश्मीरी और इसके अलावा आंध्रा वगैरह की कुजीन भी उन्होंने उनके मेनू में रखी हुई हैं। पर हम जुबेल में जब भी आते हैं तो वी यूजुअली कम टू दिस प्लेस। अगर आपको पता है आप जुबेल में रहती हैं या कभी यहाँ पर आपका डाइनिंग वगैरह हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइए कि यहाँ पर और कौन सी रेस्टोरेंट है जो वर्थ ट्राइंग है। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ और जुबेल के बारे में, कि जुबेल का जो डिसैलिनेशन प्लांट है जिसे सलाइन वाटर कन्वर्जेशन कॉप कहते हैं SWCC, ये 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिसैलिनेटेड वाटर वर्ल्ड वाइड के लिए इन्होंने अपना प्राइज़ जीता था। तो ये 5.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर डेली प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अपना फूड जो ऑर्डर किया था ये आ गया है, और ये हमने बहुत ही यमी सा यहाँ पे एक आलू टिक्की एंजॉय की और दाल वगैरह ली। दाल तड़का हमने ऑर्डर किया था और इनका स्पेशल जो रायता होता है वो ऑर्डर किया था, और हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेजेंट सा डे ख़त्म हुआ। हम लोग टेस्ट करा चुके हैं और वो रिपोर्ट्स वगैरह हमें नेक्स्ट वीक हमें आके कलेक्ट करनी है। तो चलिए चलते हैं बैक टू खोबर, और अब जो आप क्लिप देखने जा रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम अनदर डे, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक जनरल सी लंच की तैयारी चल रही है मेरी, और मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी और ठेसा। तो ये ठेसा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा एक लाइक आप अपने खाने के साथ में ये रख सकते हैं। तो जो लोग हॉट स्पाइसी पसंद करते हैं चीज़ें उनके लिए बहुत ही यमी सा बनने वाला है। बहुत सिंपल सा है, जिसमें मैंने गार्लिक ली है और उन्हें ग्राइंड कर लिया है ग्रीन चिलीज़ के साथ, उनको थोड़े से ऑयल में मैंने ऐड किया है और बस में मैं सॉल्ट डालूंगी। तो इसमें टोटल चार ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑयल, गार्लिक, ग्रीन चिली एंड सॉल्ट, दैट्स इट। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा ठेसा तैयार है, जिसे ठेचा भी कहा जाता है।
तो हमारा जो व्लॉगटूबर सीरीज़ है इसमें मैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वी स्टार्टेड मूविंग टू अनदर अपार्टमेंट और हम लोग फिर शिफ्ट हो गए एंड ऑफ अक्टूबर में, नॉट एंड ऑफ अक्टूबर, आई थिंक सेकेंड और फर्स्ट ऑफ नवंबर हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो मैं आपके साथ अपने न्यू अपार्टमेंट की और ओल्ड अपार्टमेंट की जो शिफ्टिंग वगैरह का शिफ्टिंग व्लॉग है वो भी शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहाँ पर मैं रिव्यू करने वाली हूँ क्रिस्पी क्रीम को। जो क्रिस्पी क्रीम के डोनट के लवर्स हैं दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। और ये जो क्रिस्पी क्रीम है इसके बारे में आपको बताऊँगी कि ये अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है जैब होल्डिंग्स की, जिनके जो ये ओन करते हैं और इनके डोनट्स काफ़ी फेमस हैं और दे सर्व वर्ल्ड वाइड, स्पेशली एयरपोर्ट्स वगैरह पर आपने क्रिस्पी क्रीम के आउटलेट ज़रूर देखी होंगी। तो इनके बहुत ही ज़बरदस्त से लोटस बिस्कॉफ्स, जॉय बॉक्स ओरिजिनल ग्लेज डोनट्स होते हैं, देन डजन असॉर्टेड भी एक बहुत ही स्पेशल होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग डोनट्स पाए जाते हैं। इनका न्यूयॉर्क चीज़ केक काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इनकी क्रीमी ड्रीम वाली डोनट भी काफ़ी अच्छी हैं और मिल्की मंच वाली डोनट भी काफ़ी पॉपुलर है। बच्चों को हेज़लनट और मिनी स्मार्टीज़ वगैरह के जो डोनट्स होते हैं ये भी काफ़ी पसंद आते हैं। इसके अलावा दे सर्व ग्लेज चॉकलेट केक, उसके अलावा चॉकलेट आइस्ड ग्लेज, चॉकलेट आइस विद स्प्रिंकल्स और आइस्ड कस्टर्ड फील्ड डोनट्स भी इनके होते हैं। और बस मतलब हर किसी के लिए यहाँ पर चीज़ें मौजूद है, जैसे स्ट्रॉबेरी ग्लॉस है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को पसंद करने वालों के लिए, देन दे हैव पीनट बटर ग्लेज भी डोनट्स होते हैं इनके पास, और इसके अलावा फ्रोज़न कोल्ड बेवरेजेस भी होते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया हुआ है और बच्चों ने लिए हैं उनके स्प्रिंकल वाले, और चॉकलेट लवर है हमारे पास छोटा मेरा बेटा तो उसने चॉकलेट डोनट्स लिए हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त है कि ये एटमॉस्फेयर है, साइलेंट एम्बियंस है और बहुत ही अच्छी इनकी जो सर्विस है, इनका फ्रेंडली स्टाफ होता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्चुअली चेन है ये कॉफ़ी हाउसेस की एंड डोनट्स की। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके बेक्ड गुड्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, हॉट बेवरेजेस होते हैं, फ्रोज़न बेवरेजेस होते हैं, आइस बेवरेजेस होते हैं और बहुत ही इनकी ज़बरदस्ती। अच्छा, इनके तमाम आउटलेट्स खबर के कई एरियाज़ में हैं और ये जिसमें हम गए हैं ये अल्फनार मॉल वाला आउटलेट है। तो बताइए आपको कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा और मेरी ये जो रिव्यू है क्रिस्पी क्रीम की राइस एंड स्पाइस की वो कैसी लगी और आप किस किस्म के वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये एक मिक्स्ड कंटेंट है जिसमें एजुकेशनल वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस हैं, उसके अलावा शायरी वगैरह की नज़में वगैरह भी मेरे उसमें होते हैं, व्लॉग्स मेरे उसमें होते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं, मुझे बताइए कि किस किस्म की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं और किस किस्म की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।